दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि 12 मई से सभी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अगर आप अपने घर पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको कंफर्म टिकट कराना होगा, तभी आप अपने घर पे जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर किसी कारणवश आप अपने घर पे नहीं जा पाते हैं, शहर में ही फंसे रह जाते हैं, तो इसमें आपको रेलवे कितना रिफंड देगा, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत देश में जो 17 मई तक लॉकडाउन जारी है, उसमें अब पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दिया है। अब आप अपने घर पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप टिकट कंफर्म कराएंगे तो ही आप जा सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप काउंटर पे टिकट नहीं ले सकते हैं, आपको कोई भी टिकट ऑनलाइन ही बुक करना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया, आपने सभी कुछ तैयारी कर लिया अपने घर पे जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आप अपने घर पे नहीं जा पाते हैं, तो इसमें आपका रिफंड कितना मिलेगा? पहले क्या होता था कि आपने कोई भी ट्रेन टिकट बुक किया, या फिर वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर काउंटर टिकट हो, तो उसमें आपको रिफंड आसानी से मिल जाता था। लेकिन दोस्तों आपको बताना कि इस महामारी में अगर कोई भी व्यक्ति टिकट बुक कराता है तो उसको एक बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको एक रुपया भी छूट नहीं मिलेगी, आपको एक रुपया भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ के जिस दिन यात्रा करना चाहते हैं उसी दिन का कंफर्म टिकट करें, वरना एक रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे विभाग ने अपना साफ साफ डिसीजन दे दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।